जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कई दफ़े आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपके काम बनते बनते रुक गए होंगे। कोई ऐसा काम कि जैसा आपको लगा होगा कि अब बन जाएगा और रुक जाता है। कई दफ़े बड़े बड़े कामों की बातें चलती हैं और जैसे ही वो बनने को आते हैं या उनकी शुरुआत होने को आती है, पूरा प्लानिंग फेल हो जाता है, सब रफे दफे हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से नौकरियों का होता है कि नौकरी लगने वाली होती है, इंटरव्यू अच्छा चला जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एकदम से ही रिजेक्शन आ जाता है। शादी ब्याह के मामलों में ऐसा हो जाता है कि बात पक्की होते होते रुक जाती है, पक्की हुई बात टूट जाती है। तो ये जो रुकावटें होती हैं, ये रुकावटें क्यों आती हैं आपके जीवन में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, और कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, कुदरत हर व्यक्ति को जो वो सोचता है उसको देने का प्रयत्न करती है। तभी जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी कामकाज के बारे में सोचते हैं, रुपए पैसे के बारे में सोचते हैं, कोई और पढ़ाई लिखाई, इंटरव्यू, कुछ व्यापार के बारे में सोचते हैं, तो उसका काम बनने लग जाता है, उसके बारे में बातें होने लग जाती है, वो कार्य प्रगति पर आ जाता है। लेकिन फिर एकाएक ऐसा होता है कि जिसका कोई रीज़न पता नहीं चलता, कारण मालूम नहीं चलता है, और एकदम से वो काम रुक जाता है, और इतनी बुरी तरह से रुक जाता है कि दोबारा कहीं से फिर वो काम शुरू होने का बिल्कुल अता पता नहीं लगता है। आपने भी कई दफ़े ऐसा महसूस किया होगा कि आपका काम बस अब बनने ही वाला था और काम रुक जाता है। और ऐसा ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसा तब होता है कि जब पैसे टके के या कोई प्रोग्रेस का काम हो, उस समय पर खास ऐसा होता है कि चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें होती हैं कि जो कुछ नेगेटिविटी, कुछ नकारात्मक, जो काली शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जो आपका काम बनने नहीं देती। आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, रात है, अकेले हैं, कुछ ऐसे शब्द आपने बोल दिए कि कुछ ऐसी शक्तियाँ आपके पीछे लग जाती हैं। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ खाने पीने में दे दिया, तो ऐसी शक्तियाँ आपके पीछे लग जाती हैं। किसी ने कहीं बैठे बैठे दूर से ही कोई ऐसी क्रिया कर दी कि आपके सारे बनते काम रुक जाते हैं। तो इसके लिए आज एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, बातें बनती हैं, शुरुआत होता है और एकदम से ही ब्रेक लग जाती है, तो आज का ये उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी ये जितनी भी रुकावटें हैं ये हट जाएंगी और आपके काम बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि यदि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, या ऐसा आपको लगता है कि किसी ने आपके कामों को बांध दिया है, रोक दिया है, तो ये उपाय आप करें। इस उपाय को करने से आपके जितने भी ऐसे कार्य हैं वो सारे ही बनने लग जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद चौकोर कागज़ का टुकड़ा लें, बिना लीटी का सफ़ेद कागज़ का चौकोर टुकड़ा लें और उसके चारों कोने पर आप हाय लिख दें। काले रंग से, काली पेन से आप हाय लिख दें, चारों कोने पर आप उसमें हाय लिख दें। अब अपने सर से 7 दफ़े इसको वार लें। रात्रि को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उस समय आपको ये क्रिया करनी है, और जब भी आप इस क्रिया को करें एकांत में करें, कोई व्यक्ति देखे नहीं। यदि घर का 1-2 मेंबर है तो ठीक है, लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति को या घर के ही ज़्यादातर व्यक्ति के सामने इसको, यानी प्रदर्शन के रूप में नहीं, एकांत में जाकर के इस क्रिया को करें। इसको अपने सर से 7 दफ़े वार लें और इसको जला दें, और इसकी जो राख बचेगी इसको आप शौचालय में, टॉयलेट में या गंदी नाली में कहीं पर भी बहा दें।
इसके बाद हाथ पैर धोकर के स्वच्छ हो जाएं और सो जाएं। इस क्रिया को आप 21 दिन तक करें। एवरी नाइट सोने जाने के पहले 21 दिन तक एक कागज़ ले लें, उसमें चारों तरफ आप हाय लिख दें और अपने सर से 7 दफ़े इसको वार लें अच्छे से, एकांत में चुपचाप, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, और फिर इसको आप जला दें। जिस किसी ने भी कोई भी चीज़ की होगी या आपके ऊपर ऐसी कोई चीज़ होगी, उसका सारा प्रभाव इन 21 दिनों के दौरान नष्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप देखना कि आप जो कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे, बहुत जल्द वो काम स्टार्ट हो जाएगा और आप जैसा चाहते थे वैसा आपको इच्छित फल भी मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।